शर्मिलास प्राइम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक नया तोरण बताऊंगी, जिसके लिए मैंने ये दो कलर का कॉम्बिनेशन लिया हूँ, पर्पल और ऑरेंज। दोनों 100 100 ग्राम लगेगा मुझे। क्रोशेट हुक है मेरा 2 mm का। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। चेन बना लेंगे पहले हम। उन्नीस चेन बना के तीन चेन एक्स्ट्रा 19वें चेन में, टोटल हमें 20 डबल क्रोशर बनाने हैं। ये 20 डबल क्रोशर हो चुके। अब मैं तीन चेन लूँगी, तीन चेन लेके ये हमारा पहला डबल क्रोशर, दूसरे वाले में दूसरा, तीसरा, चौथा, बैक टू बैक हमें 4 डबल क्रोशर बनाने हैं, एक चेन लेना है। अब नीचे का ये 2 छोड़ना है, ये तो हमारा 4 हो गया, 2 3 4 लेके, उसके बाद 4 5 6, तो टोटल नीचे का 6 होगा। इसकी गैप में हमें 2 डबल क्रोशर बनाने हैं। एक चेन लेना है, नीचे का 2 डबल क्रोशर छोड़ना है, गैप में हमें 2 डबल क्रोशर बनाने हैं। एक चेन, फिर से नीचे का 2 छोड़ना है, गैप में हमें 2 डबल क्रोशर बनाने हैं। एक चेन, नीचे का 2 छोड़ना है, गैप में 2 डबल क्रोशर बनाने हैं। एक चेन, अब नीचे का 2 छोड़ना है। गैप में 2 डबल क्रोशर, एक चेन, अब नीचे जो लास्ट का जो 4 डबल क्रोशर है उसके ऊपर में 4 डबल क्रोशर, एक, 2 3 4। ये देखिए,
हमारा बॉर्डर पट्टी ऐसे स्टार्ट होगा। तीन चेन लेके, तीन डबल क्रोशर के ऊपर तीन डबल क्रोशर, एक चेन इसके गैप में दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, नेक चेन फिर से दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, नेक चेन दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, एक चेन चार डबल क्रोशर के ऊपर चार डबल क्रोशर, ये चौड़ा बॉर्डर पट्टी अगर आपको थोड़ा पतला बनाना है तब उतना भी पतला बना सकते हैं, अगर आपको दूसरा बॉर्डर लाइन बनाना है दूसरा बना सकते हैं। दो तीन, तीन चेन लेके टर्न लेना है, कंटिन्यू ऐसी बॉर्डर पट्टी बनते जाएगा। एक चेन दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, एक चेन दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, एक चेन तीन चेन लेके टर्न। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें चार के ऊपर चार बनाना है। मैंने लास्ट में 20 चेन लिया, 20 चेन का 20 डबल क्रोशर बना के लास्ट का चार के ऊपर चार, फिर मैंने दो छोड़ा उसके गैप में दो डबल क्रोशर, एक चेन लेके फिर दो छोड़ के फिर उसके गैप में दो डबल क्रोशर से बनाने के बाद ये हमारा बॉर्डर लाइन बनते जाएगा।
ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसा हमारा बॉर्डर पट्टी आएगा। ये जो बॉर्डर पट्टी है टोटल 105 लाइन का बनेगा। आप अपने डोर के हिसाब से बनाइए, डोर के हिसाब से आपको 20 लाइन कम या ज़्यादा बनाना है। ये मैं आपको छोटे में दिखा रही हूँ, टोटल 105 लाइन बनाने हैं। डोर के हिसाब से 20 लाइन कम या ज़्यादा बनाना है। मैं अभी इसको पूरा एंड में जैसा हमने यहाँ पे कवर किया था उसको करूँगी ऐसा। ये देखिए फ्रेंड्स, एंड में मैंने ऐसे ही किया, चार के ऊपर चार डबल क्रोशर मैंने गैप में नहीं लिया, फिर दो डबल क्रोशर के ऊपर दो डबल क्रोशर, यहाँ तक एंड तक आई। अब यहाँ पे भी लास्ट में मैं चार के ऊपर चार करूँगी।
अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करूँगी। दूसरा कलर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ये वाले गैप में। तीन चेन लूँगी, एक दो तीन। तीन चेन लेके एक डबल क्रोशर। अब दो चेन लेने के बाद ये वाला लाइन को छोड़ूंगी, उसके नेक्स्ट वाले लाइन पे दो डबल क्रोशर, दो चेन, दो चेन लेने के बाद ये छोड़ूंगी, उसके नेक्स्ट में दो डबल क्रोशर, दो चेन, ये लाइन छोड़ूंगी, उसके नेक्स्ट वाले में दो डबल क्रोशर। ये पूरा एंड तक बनेगा हमारा। एक एक लाइन छोड़ते जाना है। यहाँ पे एंड में आने के बाद दो चेन लेंगे और वैसा हम सिंगल क्रोशर से बंद करेंगे। अब ये जो पूरा लाइन है हम सिंगल क्रोशर से बंद करेंगे। दो चेन लेके अब फिर से डायरेक्ट यहाँ आएंगे, जैसे यहाँ पे हम बनाए थे। दो डबल क्रोशर बनाने हैं। दो चेन, ये देखिए अब हमें यहाँ पे आने हैं। इस गैप को छोड़ कर यहाँ पे आना है हमें।
ये पूरा लाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है जैसे हमने ये किया है। देखिए यहाँ तक ये पूरा बनाई हूँ। अब मैं लास्ट में दो चेन लेके यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशर से बंद करूँगी। अब इसको मैं कट नहीं करूँगी, इसी को कंटिन्यू करूँगी। एक दो सेकेंड गैप तक मेरे को सिंगल क्रोशेट में आना है। सेकेंड गैप तक मैं आ गई। अब मैं यहाँ पे चार चेन बनाऊंगी। एक दो तीन और ये चार। चार चेन बना के ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तीन ट्रिपल क्रोशेट। तीन चेन, तीन चेन के बाद फिर से तीन चार ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। अब 11 चेन बनाऊंगी। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह। 11 चेन बना के एक दो तीन, तीन गैप छोड़ना है।
चौथे गैप में हमें ऐसा सिंगल क्रोशेट लेना है। अब फिर से 11 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टर्न करना है। टर्न करके फिर से हमें 4 ट्रिपल क्रोशेट, 3 चेन 4 ट्रिपल क्रोशेट बना रहे हैं। तीन चेन, तीन चेन लेके 4 ट्रिपल क्रोशेट। देखिए अब हमें एक चेन लेके टर्न करना है और ग्लैप तक स्लिप नॉट से आना है। चार चेन, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट, 3 चेन 4 ट्रिपल क्रोशेट। ये हमारा पैटर्न ऐसे बनेगा। अब 11 चेन, 11 चेन लेके सेम यहाँ पे हमें स्लिप नॉट लेना है। स्लिप नॉट के बाद फिर से 11 चेन, 80 डिज़ाइन हम बनाएंगे। टोटल 11 डिज़ाइन बनाना है सेम। ये देखिए फ्रेंड्स,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल 11 बनाने हैं। गैप तक मैं सिंगल क्रोशेट में आऊंगी। चार चेन, तीन ट्रिपल क्रोशेट, तीन चेन और चार ट्रिपल क्रोशेट। ग्यारह चेन, ग्यारह चेन के बाद सेम यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से हमें स्लिप नॉट मारना है, सॉरी सिंगल क्रोशेट में स्लिप नॉट, स्लिप नॉट के बाद फिर से 11 चेन, 11 चेन के बाद अब मैं एक दो तीन, तीन छोड़ के गैप, फोर्थ गैप में ट्रिपल क्रोशेट मारूंगी। चार ट्रिपल क्रोशेट, अब ये इसे हम ऐसे करके यहाँ से लेके सिंगल क्रोशेट से बंद कर देंगे। फिर से दिखाते हैं आपको, ट्रिपल क्रोशेट लेने के बाद अब हम ये जो गैप है यहाँ पे ऐसे लेके फिर से इसे बंद कर देंगे। तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेके सेम यहाँ पे अब हमें चार ट्रिपल क्रोशेट बनाने हैं। देखिए
अभी फिर से मैं 11 चुन लूँगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ग्यारह चिन्ह लेके 1 2 3 3 गैप छोड़ के फोर्थ गैप में हम सेम स्लिप नॉट मारेंगे। फिर से 11 चेन, 10 करेंगे, टर्न करके 4 ट्रिपल क्रोशेट ये सेम गैप में, तीन चेन, 4 ट्रिपल क्रोशेट, 1 चेन लेके टर्न लेना है गैप तक सिंगल क्रोशेट, 4 चेन, 4 चेन के बाद फिर से 3 ट्रिपल क्रोशेट, 3 चेन फिर 4 ट्रिपल क्रोशेट, 11 चेन, 11 चेन के बाद सेम यहाँ पे स्लिप नॉट, फिर से 11 चेन, 10 सेम ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने इसको बनाए थे, 11 बनाने हैं ये भी, 1 2 3 3 बना है हमें, टोटल 11 बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी लास्ट बनाऊंगी 11। गैप तक सिंगल क्रोशेट से आना है, चार चेन,
चार चेन के बाद तीन ट्रिपल क्रोशेट, तीन चेन चार ट्रिपल क्रोशेट। ग्यारह चेन, ग्यारह चेन के बाद यहाँ पे ऐसा ही स्लिप नॉट। फिर से ग्यारह चेन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। ग्यारह अब एक दो तीन गैप छोड़ के चौथे गैप में चौथे गैप में तीन ट्रिपल क्रोशेट। चार ट्रिपल क्रोशेट के बाद अब इसको हम ज्वाइन करेंगे अच्छे करके लेके सिंगल क्रोशेट से, तीन चेन फिर से चार ट्रिपल क्रोशेट। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया हमारा, ऐसे ही पूरा डिज़ाइन बनाने देखिए। टोटल एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल 105 लाइन में 6 डिज़ाइन बना है। अगर आपका डोर अगर छोटा है तो 20 लाइन कम करना है, और अगर बड़ा है तो 20 लाइन बढ़ाना है। आगे के एक लाइन छोड़ा है मैंने, सेम पीछे भी एक लाइन छूटा है, ये देखिए। यहाँ पे आप
जब फिनिश कर लेंगे तो ऐसे करके यहाँ पे सिंगल क्रोशेट से बंद कर सकते हैं, सिंगल क्रोशेट या स्लिप नॉट से, या तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो भी ये वैसे हो जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे किया, पॉम पॉम ऑप्शनल है इसलिए मैंने दो लगा के अलग रखा। अगर आपको चाहिए तब लगा सकते हैं, नहीं चाहिए तो सिंपल भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।